हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के तहत हम शशि पांडे जी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। इनके इस लेसन में हम कवर करेंगे इनके वर्क्स, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, इनका निकनेम क्या है, कितनी चिल्ड्रंस बुक लिखी हैं आपके सिलेबस में है तो इनके क्या अचीवमेंट्स हैं, इन्होंने एक मेमोयर लिखा है, ऐसे वर्क है इनका, और इनके पेरेंट्स, इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम इस लेसन में कवर करेंगे। इनका एक वर्क को मूवीज़ भी बनाया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। शशि देश पांडे जी, हाँ स्टूडेंट्स, इन्होंने साहित्य अकेडमी विनर हैं ये, और प्लस इन्होंने साहित्य अकेडमी मिला कब इन्हें और इन्होंने उसको वापस कब कर दिया, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। साथ ही इनको पद्मश्री मिला है 2009 में। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। वुमेन विदाउट मैन आई रियलाइज दैन आर टोटली डिफरेंट क्रीचर्स, ये इनका बहुत ही फेमस कोटेशंस है शशि देश पांडे जी का। तो शुरू करते हैं, हमारे पॉइंट वाइज आज हम देखने वाले हैं और इनके जो वर्क्स हैं बिल्कुल टाइमलाइन वाइज हम देखेंगे। शशि देश पांडे इंडियन नॉवलिस्ट, वैसे तो ये ऐसे भी लिखा है इन्होंने, मेमोयर्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी है, पर बेसिकली ये मेनली जानी जाती है नॉवलिस्ट के लिए, इंडियन नॉवलिस्ट। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि बॉर्न और बर्थ प्लेस ये तो है ही, लेकिन प्लस मैंने सबसे पहले इसीलिए रखा है इसको कि ये आपका इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री इनको 2009 में मिला है, जहाँ से सीधे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1990 में मिला है, और वो मिला है इनको दैट लॉन्ग साइलेंस वर्क के लिए। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इनके अवार्ड अचीवमेंट्स में। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला कब है, 1990 में मिला है, और पद्मश्री 2009 में मिला है। तो इसमें आपको 9 कॉमन दिख रहा है, इससे थोड़ा सा आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। बर्थ इनका है आपका 19th of August, अगेन 9 है, 1938 में। बर्थ प्लेस इनका है धारवाड़ कर्नाटक, तो कर्नाटक है, कर्नाटक धारवाड़ है, वहाँ बैंगलोर भी है, वहीं से इनकी एजुकेशन भी हुए, प्लस मुंबई से हुई है। मदर है इनकी शारदा आद्या, और फादर है इनके आद्या रंगाचार्य, जिनको जो कि कन्नड़ के बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट एंड राइटर हैं, श्री रंगा के नाम से फेमस है, और वैसे उनका नाम है श्री आद्या रंगाचार्य। तो मदर शारदा आद्या और फादर आद्या रंगाचार्य, कन्नड़ के ड्रामेटिस्ट हैं, फेमस एंड राइटर कन्नड़ भाषा के। इनका निकनेम है ये मुझे मिला है कंटेंट, क्योंकि कई जगह इनकी बायोग्राफीज देखी मुझे, कहीं जितने पॉइंट्स मिले मैंने सारे इंक्लूड किए हैं, बट ये जो पॉइंट मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है वहाँ से मिला है कि इनके फादर इनको निरूपा योगी करके प्यार से पुकारा करते थे। तो इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। एंड एजुकेशन की बात करें तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में किया है। एजुकेशन में इनके दो पॉइंट बनते हैं, एक इकोनॉमिक्स और एक लॉ। इन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, प्लस इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है। इकोनॉमिक्स अपना मुंबई से एंड लॉ इनका आ जाता है बैंगलोर से। तो जैसे इनका बर्थ प्लेस है कर्नाटक, तो आप कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एल्फिंस्टन कॉलेज रहा इनका 56 में, इन्होंने किया है बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद इन्होंने देखिए एक जर्नलिज्म का डिप्लोमा भी किया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर कर्नाटक बेंगलोर इन्होंने यहाँ से अपना इंग्लिश हमें इंग्लिश में भी किया है। और जैसे मैंने आपको बताया इनका एजुकेशन में इनका लॉ भी आ जाता है। जर्नलिज्म की इनकी जर्नलिज्म का इन्होंने जब जैसे कि हमने देखा 1970 में डिप्लोमा किया है, तो उसी के तहत इन्होंने मुंबई में जर्नलिज्म स्टडी किया था विद्या भवन करके जो इंस्टीट्यूट है, एंड वहाँ इन्होंने जो है वर्क भी किया है कई महीनों के लिए ऑन लोकल नाम की मैगजीन के लिए। ओके, जर्नलिज्म में जो फिर मैगजीन्स के लिए न्यूज़पेपर के लिए वर्क करते हैं, तो इन्होंने ऑन लोकल मैगजीन के लिए काम किया है। क्वेश्चन सीधे हर पॉइंट से बनेगा, पॉइंट वाइज ही बनेगा। बायोग्राफी अगर आपके सिलेबस में है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में शशि देश पांडे जी हैं, तो बायोग्राफी से क्वेश्चंस एज इट इज़ बन जाते हैं बिल्कुल। वेरी फर्स्ट पॉइंट इनका बर्थ कहाँ हुआ, कब हुआ, इससे ही बन जाते हैं। तो जो भी आपको इजी पॉइंट लगते हैं वो इजी ही से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, हमको ज़्यादा डीप जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैरिज देख लेंगे इनकी, डॉक्टर धीरेन्द्र एच देश पांडे। इम्पॉर्टेंट वर्क्स पे हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए थोड़ा टाइमलाइन वाइज भी है, और सारे जो है पॉइंट्स भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं।
1978 में आ जाएंगे। इनका जो वर्क पब्लिश हुआ है फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी रहा। देखिए पहला इनका वर्क पब्लिश हुआ है जो कि एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था। थोड़ा सा अंतर समझिएगा क्योंकि हम लोग हम पहुँचते हैं सीधे इस पे, द डार्क होल्ड्स नो टेरर। हम पहुँच जाते हैं इस वर्क पे कि ये इनका पहला नॉवल है। इट्स ओके, पहला नॉवल है जो 1980 में पब्लिश हुआ था, बट फर्स्ट वर्क जो पब्लिश हुआ था दैट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, द नेम इज़ द लीगेसी एंड अदर स्टोरी। तो ये थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप रिट भी नहीं लगा पाएंगे और आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो पहला वर्क है इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, 1978 में पब्लिश हुआ है, उसका नाम है द लीगेसी एंड अदर स्टोरीज। एंड जो इनका 1980 में जो फर्स्ट नॉवल पब्लिश हुआ था, द डार्क होल्ड्स नो शैडो, सॉरी नो टेरर है, इसको हम लोग प्लीज़ करेक्शन कर लेंगे। तो रूट्स एंड शैडो इनका वर्क है, द डार्क होल्ड्स नो टेरर है क्योंकि जो कि स्टोरी है द डार्क होल्ड्स नो टेरर। तो 1980 में इनका फर्स्ट नॉवल पब्लिश हुआ था। यहाँ पर आप देख लेंगे फर्स्ट वर्क के आफ्टर टू ईयर्स जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका जो मेमोयर है, मेमोयर यानी एक तरह के इन्होंने किसी के लिखते हैं, किसी व्यक्ति अपने ही मतलब बारे में लिखते हैं कुछ स्मृति टाइप से, तो मेमोयर इन्होंने लिखा है, लिसन टू मी उसका टाइटल है। इनका ये जो प्ले है स्क्रीन प्ले जिसको हम कहते हैं, स्क्रीन प्ले यानी कि इन्होंने मूवीज़ के लिए इसको स्टोरी लिखी थी, तो वो है इनकी मूवी दृष्टि, दृष्टि करके है ये 1990 में ये इनका पब्लिश हुआ था प्ले। चिल्ड्रंस बुक इन्होंने 4 लिखी हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम वही अगेन चिल्ड्रंस को, चिल्ड्रन को ही पढ़ाना है, टीचर बनना है, चिल्ड्रंस बुक जो लिखेगा ऑब्वियसली वो हमारे सिलेबस में होगा, तो ये हमारे सिलेबस में चिल्ड्रन बुक जो इनके क्रॉनिकली हैं, ये द समर एडवेंचर, द हिडन ट्रीजर, द ओनली विटनेस, द नारायणपुर इंसिडेंट। ठीक है, समर, हिडन, ओनली विटनेस एंड नारायणपुर इंसिडेंट, आप इसको कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं। चिल्ड्रंस बुक इन्होंने कितनी लिखी हैं, 4 लिखी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 चिल्ड्रन बुक इनके नेम आपके सामने है। ऐसी कलेक्शन जो इन्होंने एक वैसे तो है इनके, पर ये जो मेन है फेमस है जो राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेस, इसमें कलेक्शन है, इसमें इनके डिफरेंट डिफरेंट एसेस हमको मिल जाते हैं, राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेस। नॉवल वर्क्स पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट है हमारी, लेकिन हाँ पहले मैंने इसीलिए इनके अदर सारे कवर कर दिए, मेमोयर लो, एसेस लो, चिल्ड्रन बुक सारा ही, स्क्रीन प्ले हो गया। अब हम इनका मेन इनके एसेस देख लेंगे, सॉरी नॉवल्स देख लेंगे। तो द डार्क होल्ड्स नो टेरर, द डार्क होल्ड्स नो टेरर 1980 का है। इसकी जो प्रोटोगोनिस्ट हमको मिलती हैं उनका नाम सरिता हो जाता है। क्रॉनिकली अगर हम लर्न करें जो एक मतलब जब कौन सा पहले पब्लिश हुआ उसके बाद, तो भी आपको क्योंकि ये भी सीक्वेंस जो है आपके पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसी टाइप से ही हम लिखे गए हैं यहाँ पर। तो 1980 में द डार्क होल्ड्स नो टेरर, देन इफ आई डाई टुडे 1982, देन कम अप एंड बी डेड 1983, रूट्स एंड शेडोज। बिल्कुल आप इसको देखिए, डार्क, डाई, डेड, आप ऐसे सीक्वेंस से लर्न कर सकते हैं। एंड रूट्स एंड शेडो, उसके बाद देखिए तो ये शेडो आ गया आपका 1983 में, दैट लॉन्ग साइलेंस, इसके लिए ही इनको ये जो पब्लिश हुआ है 1989 में, और सेम वर्क के लिए इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है 1990 में। साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला है इनको, 1990 में मिला है, इसी वर्क के लिए मिला है, दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए जो पब्लिश हुआ था 1989 में। नेक्स्ट है द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज, 1993 में इनका वर्क आया है, अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए इसका एक क्वेश्चन बनता है अ मैटर ऑफ टाइम का, कि ये इनका ऐसा पहला वर्क है जो पब्लिश हुआ था USA में। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, द वाइंडिंग वाइन 2002 में इनका ये वर्क आता है। देन स्मॉल रिमेडीज, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, एंड देन द इन द कंट्री ऑफ डिसेट, शेडो प्ले, इस तरह से ये सारे इनके वर्क आ जाते हैं। और शेडो प्ले के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जैसे कि इनका जो वर्क है जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी मिला है, दैट इज़ दैट लॉन्ग साइलेंस। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, देखो पहला है द डार्क होल्ड्स नो टेरर, ओके, तो ये है इनका फर्स्ट नॉवल, इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, फर्स्ट नॉवल कौन सा है, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, ओके। अब इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला है, दैट इज द वर्क इज दैट लॉन्ग साइलेंस,
कि पूरा जो है फेमिनिज्म पे लिखा है इन्होंने, महिलाओं की स्थिति को बहुत अच्छे से दिखाया है अपने वर्क्स में। तो दैट लॉन्ग साइलेंस जिसके लिए इनको मिला है साहित्य एकेडमी अवार्ड। ओके, साइलेंस साहित्य, ऐसे आप याद कर सकते हैं, साइलेंस साहित्य। उसके बाद आप हमारा जो नेक्स्ट है वो जो इनका वर्क है, ये जो शेडो प्ले है 2013 में पब्लिश हुआ है और इसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था हिंदू लिटरेरी प्राइज के लिए। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, प्राइज नहीं मिला था, इस पर फोकस कीजिएगा इस बात पर, द हिंदू लिटरेरी प्राइज। ओके, 2014 में ये शॉर्ट लिस्ट हुआ था, तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है। देन इनका जो नेक्स्ट है वो स्ट्रेंजर्स टू आवरसेल्फ, तो इनके नॉवल वर्क होगा जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स पे आ जाते हैं। देखिए, मेन तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि इनको मिला है 1990 में, और उसके बाद आ जाता है पद्मश्री जो इनको मिला है 2009 में। तो ये तो हो ही जाते हैं, पर कुछ जैसे कि ये इनके फादर बहुत ही फेमस कन्नड़ राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, और ये बिलोंग करती थी अपने साउथ को, तो कुछ वो वहाँ के भी इनको अवार्ड मिले, जैसे कि तिरुमती रंगम्मल प्राइज, ये इनको 1984 में मिला था। इनका जो वर्क है रूट्स एंड शेडो के लिए मिला था, ठीक है, रूट्स एंड शेडो, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया है भी वर्क्स में। फिर एक जो इनका ये जो अवार्ड है इनको, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, जो इनका वेरी फर्स्ट वर्क है द डार्क होल्ड्स नो टेरर के लिए इनको, ये एक साउथ का ही है नंजनगण तुरुमलंबा अवार्ड भी इनको मिला था। ये दो है, फिर भी इनको आपको याद ही रखना है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990 में मिला था स्टूडेंट्स फॉर द वर्क दैट लॉन्ग साइलेंस इन 1990, एंड देन इनका जो ये वर्क है शेडो प्ले शॉर्ट लिस्टेड हुआ है द हिंदू लिटरेरी प्राइस के लिए 2014 में, और शेडो प्ले पब्लिश हुआ है 2013 में। ऑब्वियस ही बात होती है कि चलो एक साल, इस साल पब्लिश हुआ, अगले साल उसको प्राइज़ मिल जाएगा, ऐसा कुछ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साहित्य अकेडमी अवार्ड तो मिल ही गया था, अभी इन्होंने वापस भी कर दिया था 2015 में 9th of October। ये हम सभी अगर जो स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्ट हैं लिटरेचर से और जनरल जो जीके है, तो ये उनको पता होगा कि किस तरह से जो M.M. कलबुर्गी जी जो एक फेमस राइटर थे, साहित्य अकेडमी के एक सदस्य भी थे उस काउंसिल के, अकेडमी के, तो उनका मर्डर पर जो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था, इसके प्रोटेस्ट में कई सारे राइटर्स ने अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड लौटा दिया था गवर्नमेंट को, तो उसी के तहत इन्होंने भी किया था। चलिए हम रीड कर लेते हैं। ऑन 9th of October 2015 शी रिजाइंड फ्रॉम हर पोजीशन इन द साहित्य अकेडमी जनरल काउंसिल, जो इनका जो पोजीशन था साहित्य अकेडमी जनरल काउंसिल में, और रिटर्न हर साहित्य अकेडमी अवार्ड। इन डूइंग सो शी ज्वाइंड अब्रॉड, और ऐसा करके वो उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया था, ब्रॉडर प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अदर राइटर्स अगेंस्ट द अकेडमीज परसीव्ड इनएक्शन। अकेडमी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया और साइलेंस रहे इनके मर्डर पर M.M. कलबुर्गी जी के, तो इसके तहत इन्होंने अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड रिटर्न कर दिया था। सम अदर पॉइंट्स भी देख लेते हैं, इनके फेवरेट राइटर कौन से थे और कुछ अलग पॉइंट्स इनके वर्क से। तो देखिए, जिनकी स्टोरी है एक वाया रॉबिन स्टोरी कलेक्शन एक स्टोरी है, तो एक स्टोरी एक वुमेन की जो कि अपने पूरी फैमिली में फिट ही नहीं बैठती है, वाया रॉबिन। शशि देशपांडे के जो फर्स्ट बुक है द लीगेसी है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, बता ही चुकी हूँ। पब्लिश कब हुआ था ये 1978 में। ओके, देन जो इनका जो वर्क है द डार्क होल्ड्स नो टेरर, इनका फर्स्ट नॉवल है द डार्क होल्ड्स नो टेरर, 1980 में पब्लिश हुआ है ये। एंड देन इफ़ आई डाई टुडे, ये जो इनका वर्क है इफ़ आई डाई टुडे दैट इज़ पब्लिश्ड इन 1982, ये एक इसमें आपको डिटेक्टिव फिक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, एलिमेंट्स है डिटेक्टिव फिक्शन का। फिक्शन यानी नॉवल होता है डिटेक्टिव टाइप का है इसमें। देश पांडे यूजुअली हैज़ द हीरोइन एज अ नरेटर, इनके जो वर्क में हीरोइंस होती है वो नरेटर होती है, एंड द एम्प्लॉयज अ काइंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक का इन्होंने यूज़ किया है, मतलब जो मन में चल रहा है वही जस्ट लिख दिया जाता है, वही सामने होता है, इस तरह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अ मैटर ऑफ टाइम, इनका जो फर्स्ट नॉवल था जो पब्लिश हुआ था यूनाइटेड स्टेट में, इट इज़ द टेल ऑफ वुमेन अबैंडन्ड बाय अ मैन, ये एक ऐसी वुमेन की कहानी है जिसका नाम होता है सूमी, जिसको एक मैन के द्वारा अबैंडन किया जाता है, और 3 डॉटर्स उसकी होती हैं। जेन ऑस्टिन इज़ वन ऑफ आर फेवरेट ऑथर्स, हाँ जेन ऑस्टिन हम पढ़ते ही हैं बिल्कुल, उन्होंने भी इनकी ही तरह ही काफ़ी अच्छे वर्क लिखे हैं, फीमेल राइटर हैं ये जेन ऑस्टिन, तो ये इनकी फेवरेट ऑथर थी, वन ऑफ द फेवरेट ऑथर, और इनके ऊपर भी ये वर्क लिखा है डॉक्टर मधु जिंदल ने कि शशि देशपांडे इज़ वुमेन एथिक्स,
ठीक है, ये इनका वर्क नहीं है, इनके ऊपर किसी ने वर्क लिखा है इन्होंने, डॉक्टर मधु जिंदल ने, तो ऐसा भी होता है। हाँ, और शी इज़ अलाइव नाउ, इनका जो लाइफ स्पैन है 1938 में इनका बॉर्न हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सी इनकी बायोग्राफी रही, हमने बहुत शॉर्ट में समेटने की कोशिश करी है। इनका लाइफ हमने देखा, 1938 इनका जन्म है, धारवाड़ कर्नाटक में है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990 में मिला है, शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं, 2009 में पद्मश्री मिला है। फादर है इनके आद्या रंगाचार्य, मदर है शारदा आद्या, ठीक है। ये सेकेंड डॉटर हैं जो इनके जो पेरेंट्स के जो भी बच्चे रहे उनमें से ये सेकंड डॉटर होती है। एजुकेशन इनकी मुंबई और बेंगलोर से हुई है, मेन इकोनॉमिक्स एंड लॉ में हुई है। इन्होंने एक मैगजीन में वर्क किया है, उसका नाम है ऑन लुकर, इम्पॉर्टेंट है। जर्नलिज्म का इन्होंने डिप्लोमा भी लिया है। फर्स्ट कलेक्शन इनका द लीगेसी रहता है, फर्स्ट नॉवल है द डार्क होल्स नो टेरर। साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला है, तो वो मिला है दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए, ओके। और द हिंदू लिटरेरी प्राइज़ के लिए इनका कौन सा नॉवल शॉर्टलिस्टेड होता है, तो वो है शेडो प्ले। बस ऐसे ही हमको ये सारे जो पॉइंट्स अब मैं जो लास्ट में बता रही हूँ, इनको आप ऊपर ऊपर ले आइए और इन्हीं को लर्न कर लीजिए। चिल्ड्रन बुक्स कितनी है, 4 हैं। इनका एक मेमोयर है लिसन टू मी, मूवी है इनकी जो स्क्रीन प्ले इन्होंने लिखा है, दैट इज़ दृष्टि मूवी, दृष्टि। और 1990 में वो पब्लिश होती मूवी जो आती है स्टेज पर या जो भी कह लो रिलीज़ होना, उसमें जो बहुत ही मूवी है शेखर कपूर और डिम्पल कपाड़िया जी ने उसमें एक्ट किया है, सर्च भी कर सकते हैं आप लोग। तो आज हमने कवर किया है शशि देश पांडे जी के इम्पॉर्टेंट वर्क्स को, साथ में ही इंडियन नॉवलिस्ट हैं, बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं। इनके वर्क की क्वालिटी ये रहती है कि इन्होंने बहुत ही सिंपल इंग्लिश का यूज़ किया है, रियलिटी को इम्पोर्टेंस दिया है अपने वर्क में, और खुद के ही वर्ड्स यूज़ करते हैं। फेमिनिज्म को वर्क को बहुत ही ज़्यादा फोकस करके अपने वर्क इन्होंने लिखे हैं। तो आज के इतने ही पॉइंट्स हम देखेंगे इनकी बायोग्राफी के तहत, और आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करें। तो स्टूडेंट्स, आपको जो भी नए टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं मेरे चैनल पर, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वो उसका लिंक प्रोवाइड करूँगी, और नहीं होगा तो इसको फिर बना भी दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। स्टूडेंट्स, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।